सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स को एनालिटिकल तरीके से हम अगस्त महीने से प्रारंभ कर रहे हैं। अगस्त 2021 से अब प्रत्येक वीक में अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं और ये अब कंटिन्यू रहेगा आने वाले हर एक महीने के हर एक सप्ताह में, जहां पर हम एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से वीकली जो भी करंट के टॉपिक जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम यहां पर पढ़ेंगे। एनालिटिकल अप्रोच इसलिए भी क्योंकि प्री और मेंस में जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आता है, किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना पड़ता है, आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप लिख नहीं सकते हैं। वहीं प्री के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको किसी एक विषय के बारे में एक डिटेल और डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया जा रहा है। आई होप आप इसे पसंद करेंगे और आपके एग्ज़ाम में ये सफलता आपको दिलाने के लिए एक बेहतर करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज़ के तौर पर साबित होगा। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि लेट हुआ है तो एक तारीख से 7 अगस्त का है, जल्दी ही इसका जो दूसरा वीडियो होगा आपको अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वीकली वाइज आपको हर एक वीक में एक वीडियो यहाँ पर करंट अफेयर्स का शुरू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं 1 से 7 अगस्त के दौरान यहाँ पर कौन कौन से करंट के टॉपिक रहेंगे जो कि चर्चा का विषय रहा। देखिए पहला यहाँ पर देखिए तो नागालैंड और असम सरकार के मध्य एक समझौता यहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया है। तो कौन सा समझौता है, तो ये देसाई घाटी आरक्षित वन क्षेत्र की ओर सुरंगकोंग घाटी, कौन सी घाटी, सुरंगकोंग घाटी पर सीमा पर तनाव की स्थिति के कारण दोनों ही राज्यों पर देखा जाए तो 24 घंटे एक लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, भारतीय सेना को वहाँ पर इंटरफेयर कराया गया और उसके बाद यहाँ पर एक साथ पीछे घटाने के लिए यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए, अर्थात जो सुरक्षा बल तैनात किए गए थे उन्हें हटाने को लेकर यह समझौता किया गया। अगर देखा जाए ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से तो असम और नागालैंड करीब 434 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं और साथ ही यहाँ अगर नागालैंड और असम यथास्थिति को बनाए रखने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट की इमेजरी का उपयोग करेंगे और क्षेत्र की निगरानी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट आपका है यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नागालैंड और असम की यह सीमा यहाँ पर आपकी साझा हो रही है और यही जो सीमा है यही एक विवाद का कारण बनी और विवाद के कारण ही यहाँ पर देखा जाए तो तनाव के बिंदु भी यहाँ पर उपजे, जिसे सुरक्षा बलों के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब इसे सुलझाने का प्रयास लगातार यहां पर किया जा रहा है। दूसरा है अद्यतित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, अपडेटेड नेशनल डिटरमिनेशन कंट्रीब्यूशन क्या है। तो केवल 110 देशों के जो पेरिस समझौते के पक्षकार हैं उन्होंने अपने कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए आधारित अद्यतित यहाँ पर NDC को प्रस्तुत किया है। साथ ही चीन और भारत यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की समय सीमा को यहाँ पर इस जो निर्धारित किया गया था कि किस समय सीमा तक आपको इसे निर्धारित करना है, चीन और भारत ने अभी तक इसे निर्धारित नहीं किया है। साथ ही पेरिस समझौते जो है जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विकसित और विकासशील देशों के द्वारा एक महती भूमिका का यहां पर निर्वहन करना था, अपनी अपनी यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर योगदानों का निर्धारण करना था। दिसंबर 2015 में 196 देशों के द्वारा अपनाया गया और इसका उद्देश्य पूर्व औद्योगिक स्तरों के सापेक्ष वैश्विक तापमान को कितना, 2 डिग्री, यहां पर देखिए 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का यहां पर लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही यहां पर अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसे सीमित रखने के लिए भी यहां पर बोला गया था। समझौते के तहत प्रत्येक भाग लेने वाले देश को मूल रूप से 2020 के अंत तक यहां पर नए अद्यतित NDC को यहां पर प्रस्तुत करना था, जिसे भारत और चीन के द्वारा यहां पर प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वो किस तरीके से यहां पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के दृष्टिकोण से अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, उनका राष्ट्रीय योगदान क्या होगा। तो दोनों ही तथ्यों को यहां पर जांच लें। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है यहाँ पर आपका भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान सूचकांक को लेकर, यहाँ पर DPI RBI के द्वारा जारी किया गया है। तो ये क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए RBI के द्वारा DPI सूचकांक 2020 के 207.84 से बढ़कर 2021 में 270.84 बढ़कर मार्च 2021 में 270.59 यहाँ पर हो गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है वो लगातार देखिए ग्रोथ उसमें देखने को मिले, डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ावा दिया गया है। हाल ही में अगर कहा गया है कि जो डिजिटल भुगतान है देश में बहुत तेज़ी से इसे अपनाया गया, व्यापक तरीके से यहाँ पर इसके प्रतिनिधित्व किया गया अलग अलग माध्यमों से। साथ ही RBI की जो DPI को 1 जनवरी 2021 को यहाँ पर लॉन्च किया गया और इसका आधार जो वर्ष है मार्च 2018 को निर्धारित किया गया। RBI के DPI के 5 जो व्यापक मापदंड यहाँ पर हैं
उप मापदंडों की संख्या के आधार पर, तो वो देख लीजिए क्या क्या है। पहला है यहाँ पर देखिए भुगतान सक्षमकर्ता, जिसका भार 25% दिया गया है इसमें। भुगतान अवसंरचना, जिसमें मांग और पक्ष कारक को सम्मिलित किया गया, इसे 10% दिया गया है। भुगतान की अवसंरचना, जिसमें आपूर्ति पक्ष कारक है, इसे 15%। भुगतान का निष्पादन, इसे 45%। और उपभोक्ता केंद्रित, इसे 5%। तो यहाँ पर जो सूचकांक बनाया गया है, RBI का जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है, इसके 5 भारांक हैं। 5 भारांक यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो भुगतान सक्षमकर्ता, भुगतान अवसंरचना, भुगतान अवसंरचना का यहाँ पे आपूर्ति पक्ष, भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्र। और इन सब के यहाँ पे परसेंटेज निर्धारित किए गए हैं, 25%, 10%, 15%, 45%। सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे भुगतान भारांक जो दिया गया है, भुगतान निष्पादन को 45%, और सबसे कम जो दिया गया भारांक वो है उपभोक्ता केंद्रता को 5%। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिए हंगर हॉटस्पॉट के बारे में जानकारी दी गई है। हंगर हॉटस्पॉट क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी क्या है, तो चेतावनी दी गई है कि 23 देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा के विकृत होने की संभावना है, अर्थात खाद्यान्न की उपलब्धता सभी को यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो पाएगी। कारण देखिए यहाँ पे कहा गया कि संघर्ष, चरम जलवायु और आर्थिक आघात जो है तीव्र खाद्य असुरक्षा के लिए यहाँ पे प्राथमिक चालक हैं। अर्थात कि खाद्य असुरक्षा किन कारणों से हो रही है, तो इसके 3 प्रमुख कारक बताए गए हैं, संघर्ष का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन का बहुत तेजी से होना, और आर्थिक तौर पर यहाँ पर जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं उनको वहाँ पर कह सकते हैं अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होना, आघात पहुँचना, चोट पहुँचना। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि कुल मिलाकर विश्वभर में करीब 41 मिलियन से अधिक लोगों को ये तत्काल जीवन यहाँ पर आजीविका बचाने वाली सहायता नहीं मिलती है, तो उनके अकाल या अकाल जैसी स्थितियों में पहुँचने का उन्हें खतरा होगा। इसके अतिरिक्त इथोपिया, मेडागास्कर विश्व के सबसे नए उच्चतम अलर्ट वाले हंगर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उच्चतम अलर्ट वाले हंगर हॉटस्पॉट में किन देशों को रखा गया है, तो यहाँ पर इथोपिया है और मेडागास्कर है। भारत हॉटस्पॉट में से एक नहीं है, ठीक है, भारत यहाँ पर हंगर हॉटस्पॉट में सम्मिलित नहीं है। तो ये तो डेटा हमने देख लिया हंगर हॉटस्पॉट के बारे में। अगला यहाँ पे अपराध घटना रिपोर्ट प्रणाली क्या है, अपराध घटना रिपोर्ट प्रणाली है ये क्या है, तो बढ़ते भुगतान गेटवे और बैंकिंग के संबंधित धोखाधड़ी को विफल करने के प्रयास में बेंगलुरु पुलिस ने CIR, ठीक है, यानी कि क्राइम इंसिडेंट्स रिपोर्ट, CIR नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बेंगलुरु पुलिस यानी कि कर्नाटक राज्य, ठीक है, बेंगलुरु पुलिस कर्नाटक राज्य किससे संबंधित है, तो भुगतान गेटवे और बैंकिंग संबंधित धोखाधड़ी से रोकने के लिए। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो यहां पर क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट CIR सिस्टम। इसके लिए यहां पर एक पुलिस हेल्पलाइन 112 उपलब्ध कराई गई है, और यह प्रणाली रिजर्व बैंक और बैंकों के द्वारा पुलिस एवं न्यायालयों के साथ सहयोग करके कार्य करती है। अर्थात इसमें RBI, देखिए बैंक भी सम्मिलित है, रिजर्व बैंक भी है, अन्य बैंक भी हैं, पुलिस है और न्यायालय है, ये सभी यहाँ पर मिल करके इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने का कार्य करती हैं। साथ ही जैसे ही व्यक्तियों के द्वारा धोखाधड़ी की सूचना दी जाती है, व्यक्ति द्वारा विवरण प्रदान किया जाता है, शिकायत को आपराधिक प्रकरण याचिका के रूप में यहाँ पे माना जाएगा, मिसलेनियस के रूप में। साथ ही यह पुलिस को कार्यवाही करने और धन को वापस लेने में सहायता करेगा, परंतु इस धोखेबाज के द्वारा धन का आहरण यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर CIR अर्थात डिजिटल कह सकते हैं जो धोखाधड़ी बढ़ी है बैंकिंग इत्यादि को लेकर, उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक प्रयास बेंगलुरु पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए एक हलम समुदाय के बारे में एक जानकारी है, ठीक है। हलम समुदाय क्या है, तो हलम समुदाय ये त्रिपुरा के दमचेरा क्षेत्र में कास्को राहत शिविर में रहने वाले ब्रू लोगों और हलम समुदायों के बीच प्रदेश में वन भूमि अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ है, ठीक है। किन दो समुदायों के बीच, तो ब्रू और हलम समुदाय के बीच यहाँ पर वन भूमि पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ है। कहाँ हुआ है, तो ये त्रिपुरा में हुआ है। तो किस क्षेत्र में है ये प्रजाति आपकी समुदाय, तो ब्रू आपको देखा जाए तो त्रिपुरा में हलम और ब्रू समुदायों के मध्य इस तरीके के आपको संघर्ष देखने को मिले। अब यहाँ पर और थोड़ा जान लेते हैं, जैसे निर्जातीय रूप से त्रिपुरा का हलम समुदाय तिब्बती बर्मी निर्जातीय समूह है। हलम किससे संबंधित हैं, तिब्बती बर्मी निर्जातीय समूह है ये मूल रूप से, कि कुकी चिन जनजातियाँ,
ठीक है, तिब्बती बर्मी जनजाति समूह की कौन सी जनजातियां हैं, ये कुकी चिन जनजातियों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हलम को मिला कुकी के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि वे भाषा संस्कृत और जीवन शैली के मामले में बिल्कुल भी कुकी समुदाय के समान नहीं है। ठीक है, तो ये मिला कुकी के रूप में जाने तो जाते हैं लेकिन कि भाषा संस्कृत जीवन शैली इत्यादि कुछ भी आपको कुकी समुदाय से मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। वर्ष 2011 की जनगणना हुई और जनगणना में यहाँ पर देखा जाए तो इनकी कुल जो जनसंख्या थी कि 57,210 बताई गई और जो संपूर्ण रूप से सिर्फ त्रिपुरा में आपको वितरित है, सिर्फ आपको हलमा जो समुदाय है ये कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। साथ ही हाई हुक नृत्य और राय बलगामी महोत्सव, ठीक है, राय बलमानी महोत्सव हलम समुदाय के बीच लोकप्रिय है। तो हलम समुदाय से संबंधित इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा महोत्सव, राय बलमानी महोत्सव, और नृत्य कौन सा है, हाई हुक नृत्य, इस किससे संबंधित है आपका, हलम समुदाय से। चलिए ये हो गया आपका एक समुदाय के बारे में, हलम समुदाय के बारे में हमने देख लिया। अगला यहाँ पर है अस्थिर दर वाले फंड्स के बारे में, ठीक है, इकोनॉमी का एक और टॉपिक। अस्थिर दर वाले फंड ऐसे बॉन्ड्स का क्रय करते हैं जिनकी ब्याज दरें अर्थव्यवस्था दरों में परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती हैं, साथ ही इस प्रकार यह विशेषता दरों में वृद्धि के कारण होने वाली हानि से उनकी रक्षा करती हैं, दरों में वर्धन होने पर उनके रिटर्न में भी यहाँ बढ़ोतरी कर सकती हैं। अस्थिर अर्थात कि बाजार के अनुसार जिस भी बॉन्ड के रेट जो होते हैं चेंज हो जाएं, ठीक है, बाजार में अचानक उनकी मांग बढ़ गई, रेट बढ़ गए, बाजार में उनकी मांग घट गई, उनके रेट कम हो गए, तो ऊपर नीचे होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। जब यहाँ पर ज़्यादा मांग बढ़ेगी तो जो लोग निवेश करेंगे उनको प्रॉफिट भी होता है, और जो लोग यहाँ पर आपको कम था नुकसान हो रहा है तो उनको, अगर उन मतलब रेट अगर नीचे गिर रहा है तो उनको नुकसान भी होता है। इसी तरीके से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने नियमों के अनुसार अस्थिर दर वाले फंड्स के कुल कोष का 65 अस्थिर दर वाले लिखित में निवेश करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर निवेशक प्रक्रिया को लेकर सेबी के द्वारा यह नियम बना दिया गया है कि आपको कुल कोष का कितने परसेंट निवेश करना है, करीब 65% आपको निवेश करना है। इसके साथ ही साथ अस्थिर दर वाले फंड्स में हाल ही के महीनों में अत्यधिक अंतर्वाह दर्ज किया गया क्योंकि निवेशकों को ब्याज दरों में वृद्धि की अपेक्षा है। तो निवेशक क्या होते हैं, जब चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, अर्थव्यवस्था में उथल पुथल होती है और अचानक से कभी बूम की स्थिति आती है, तो जो ये चेंजेस वाले होते हैं उसमें निवेशक अच्छा खासा निवेश करता है कि आपको आगे चलकर क्या होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर इसी को आधार बनाकर इसमें आपको निवेश के आपको काफी चांसेस अर्थात काफी निवेश भी यहां पर किया जा रहा है। अगला आइए देखते हैं, अगला टॉपिक यहां पर है तालिस्मान सैंबर, ठीक है, क्या है तालिस्मान सैंबर के बारे में जानकारी है, ये कौन है, ये ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के मध्य सबसे बड़ी द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण एक गतिविधि है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसमें भूमि, समुद्र और वायु संबंधी गतिविधियों को हम शामिल करते हैं। साथ ही भारत के द्वारा वर्ष 2020 के मालाबार अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया और इसके उपरांत ऑस्ट्रेलिया के हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की नौसेनाओं के अंतर संचालनीय क्षमता को अधिक सुदृढ़ करने के लिए तालिस्मान सैबर को वर्ष 2023 के संस्करण के लिए भारत को आमंत्रित किया गया। तो ध्यान रखिएगा एक द्विवार्षिक अभ्यास है और इसमें यहाँ पर भारत को भी आमंत्रित किया गया है, कब के लिए, 2023 के लिए। अगला टॉपिक यहाँ पर है पृथ्वी पर ऑक्सीजन के उद्भव से संबंधित नवीन सिद्धांतों को लेकर एक जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसमें कहा गया कि लगभग 2.4 बिलियन वर्ष पूर्व वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी, नगण्य थी, किंतु केवल 400 मिलियन वर्षों में ही पृथ्वी के वायुमंडल में वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा का 10वां हिस्सा निर्मित हो गया था। साथ ही एक नए सिद्धांत के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्वारीय घर्षण की जटिल भौतिकी चंद्रमा के साथ अन्योन्य क्रिया के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो गई और इसके परिणाम स्वरूप एक दिन की अवधि में होती गई और साइनोबैक्टीरिया के ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए अधिक समय उपलब्ध होने लगा। तो यहाँ पर विश्लेषण एक डेटा दिया गया कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत तेजी से बनी, आभार मतलब जो वर्तमान समय में स्थिति है वो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर बहुत तेजी से उसका जो 10वां हिस्सा है बहुत तेजी से बना, जिसका कारण क्या था कि मूल रूप से पृथ्वी की जो घूर्णन गति है कम हुई, साइनोबैक्टीरिया को ज़्यादा समय मिला और उन्होंने तेजी से ऑक्सीजन का निर्माण किया। इस विचार को प्रभावशाली माना जा रहा है क्योंकि बैक्टीरियम किसी व्यापक जैविक परिवर्तन या विश्व के महासागरों बदलाव की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई थी। तो ये एक नया तथ्य लेकर आए हैं, एक नई यहाँ पर खोज इत्यादि हुई है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला यहां पर देखिए दिया गया है, अगला टॉपिक देखते हैं, च
चलिए अगला है, यहाँ पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित घड़ियों के बाद की चर्चा की जा रही है, जिसमें भारतीय रेलवे नियंत्रण कार्यालयों के द्वारा GPS घड़ियाँ, ठीक है, एनालॉग प्रणाली के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसमें क्या होगा, तो एक सेक्शन कंट्रोलर होंगे, प्रत्यक्ष रूप से ट्रेनों के संचालन में शामिल स्टेशन मास्टर्स, लोको पायलट्स, अन्य कर्मचारियों के साथ एक समन्वय स्थापित कर सकेगा, साथ ही संभावित दुर्घटनाओं को इसके माध्यम से हम रोक सकेंगे। तो ट्रेनों में इसके जो दुर्घटनाएं होती हैं, रेलवे संबंधी जो भारत में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसे रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक GPS आधारित यहाँ पर घड़ियाँ प्रदान करने की बात की जा रही हैं। घड़ी एक उपग्रह आधारित प्रणाली होगी, जो पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक समय मानकों तक कम लागत वाली पहुँच प्रदान करने के लिए परमाणविक घड़ियों का उपयोग करती है। साथ ही परमाणु घड़ी क्या है, तो एक प्रकार की घड़ी जो अत्यधिक सटीकता के साथ समय की गणना के लिए परमाणुओं की विशिष्ट अनुनाद का उपयोग करती है। तो परमाणु घड़ी क्या है, एक अत्यधिक सटीकता के साथ समय की गणना करने वाली, और इसके लिए आमतौर पर यहाँ पे सीजियम और रुबिडियम का हम प्रयोग करते हैं परमाणु घड़ी बनाने और इत्यादि के दृष्टिकोण से। चलिए अगला यहाँ पर देखिए कुछ अन्य सुर्खियों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो अन्य कुछ फैक्टों को एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि गोगरा और हॉट स्पॉट स्प्रिंग, ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, गोगरा और हॉट स्पॉट स्प्रिंग आपका लद्दाख में है। दूसरा, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर की 12वीं जो बैठक के पश्चात संयुक्त वक्तव्य के अनुसार रचनात्मक रही, कैसी रही, बातचीत आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे चीन के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। दोनों पक्ष जो होते हैं लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग में अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों को पीछे हटाने के लिए समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाल ही में उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक समझौता हुआ और उसके बाद वो दोनों वहाँ से हटने को तैयार हो गए हैं। उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, अगले टॉपिक इसी के बारे में है। हॉट स्प्रिंग, जिसे थर्मल स्प्रिंग भी कहा जाता है, प्राकृतिक रूप से क्या है, एक गर्म जल का स्रोत होता है। तो हॉट स्प्रिंग क्या है, गर्म जल के स्रोत। इसे सामान्यतः भूमिगत ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा एक ऊष्मा यहाँ पर लगातार इसे प्राप्त होती है, और जिसके कारण ये पानी इसका गर्म रहता है। दूसरा यहाँ पर टॉपिक है स्ट्रेप द्वीप, कौन सा है, स्ट्रेप द्वीप, इसके बारे में क्या है, तो कुछ ग्रेट अंडमानी जनजाति को COVID-19 महामारी के विरुद्ध उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रेट द्वीप में उनकी जनजातीय बस्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो स्ट्रेट जो द्वीप है वहाँ पर ग्रेट अंडमानी जनजातियाँ रहती हैं, और COVID-19 से प्रभाव से बचाने के लिए उन्हें यहाँ पर स्थानांतरित किया गया। साथ ही यह द्वीप यहाँ पर ग्रेट अंडमानी के लिए एक जनजातीय रिजर्व है, जहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। तो स्ट्रेट द्वीप में बाहरी लोगों का जाना या वहाँ पर निवेश या उनका सॉरी वहाँ पर प्रवेश आपका पूरा निषिद्ध है। साथ ही जी एक ग्रेट अंडमानी के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत हैं। अंडमान में मूलतः देखा जाए तो 5 आपके निवासी हैं यहाँ पर, 5 अर्थात विशेष जो आपके जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सेंटिनेल है, जरावा है, ग्रेट अंडमानी है, ओंगे हैं और शोम्पेन हैं। ये सारी सारी प्रमुख 5 जनजातियाँ हैं जो कि आपका अंडमान के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला है यहाँ पे हल्दीबाड़ी जो कि भारत में यहाँ पे पड़ता है, और चिल्लाहाटी जो बांग्लादेश का रेल है, तो यहाँ पर आपको एक रेल लिंक का यहाँ पर विकास किया गया, किस दो देशों के मध्य, तो हल्दीबाड़ी से चिल्लाहाटी भारत और बांग्लादेश के मध्य। दोनों देशों के रेलवे विभागों के संयुक्त प्रयासों से भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू किया गया, और ये हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी के रेलमार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित रूप से अब संचालन आरम्भ किया जा रहा है। तो ये कुछ आपको वीकली यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हमने यहाँ पर देखे। इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के मध्य रेल लिंक वर्ष 1985 के युद्ध के तक यहाँ पर संचालन में था, और उसके बाद फिर आगे चलकर 1965 से होगा, और उसके बाद फिर यात्रियों के आवागमन और माल के परिवहन के लिए वर्ष 2020 में भारत और बांग्लादेश के दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा रेल लिंक को पुनः प्रारंभ किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेल लिंक है जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य यहाँ पर संचालित हो रही है, और इसी को यहाँ पर वापस से पुनः शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल आपका साथ ही यहाँ पर बांग्लादेश से होते हुए इसे उत्तर पूर्व से आपको इंटरलिंक किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं यहां पर, अगला देखिए यहां पर सुर्खियों में रहे कुछ व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी है, क्या क्या जानकारी है वो देख लेते हैं। तो पहले यहां पर पिंगली वेंकैया, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, पिंगली वेंकैया, जो 2 अगस्त 1876 से 4 जुलाई 1963 के मध्य इनका जो जीवन रहा वो काल रहा,
साथ ही ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया। साथ ही 1916 में उन्होंने ए नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नाम का एक पुस्तिका का भी यहाँ पे प्रकाशित इनके द्वारा किया गया। 1921 में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने वेंकैया को इसे डिज़ाइन करने के लिए कहा। उन्होंने हरे और लाल रंग के युक्त झंडे को प्रस्तुत किया, किंतु इसके मध्य में एक चरखा और सफ़ेद रंग को उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस ध्वज को अधिकार के तौर पे अपनाया गया। तो स्टार्टिंग में इन्होंने लाल और हरे रंग का प्रयोग किया और बाद में फिर यहाँ पे 1931 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चरखा और सफ़ेद पट्टी को भी स्वीकार कर लिया गया। चलिए आगे तक चलते हैं। अगला है यहाँ पर सबकी योजना सबका विकास। ये क्या है? तो सबकी योजना सबका विकास वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को व्यापक और सहभागी बनाने के लिए जन योजना अभियान है। ठीक है, एक जन योजना अभियान है। इसमें जमीनी स्तर के लोगों को ग्राम सभाओं की योजना निर्मित करने हेतु सहभागी बनाया जाता है। साथ ही उन्हें पंचायतों के द्वारा किए गए कार्यों के वर्ष भर के कार्यों का संपूर्ण लेखांकन भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, योजना तैयार करने में मदद करता है, जो कि अनुच्छेद 245 के तहत उसे अधिकार प्राप्त है, ऐसा उसा करने का वहां पे अनिवार्य किया गया है। यह अभियान संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध 29 विषयों के अभिसरण के माध्यम से प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कुशल कार्यान्वयन में भी सहायता करता है। इस तरीके से आपको सबकी योजना सबका विकास से संदर्भित यहाँ पे हमने तथ्य को देख लिया है किस तरीके से ये कार्य करेगी और संविधान के तहत यहाँ पर ये देखा जाए तो अनिवार्य विषय के तौर पर इसे यहाँ पर लागू भी किया जाए। अगला यहाँ पर देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली के ऑपरेटरों के लिए भी यहाँ पर एक रूपरेखा यहाँ पे जारी की है। तो कौन सी रूपरेखा है, किस तरीके संचालन इत्यादि होंगे वो देख लेते हैं। तो RBI के द्वारा एक रूपरेखा यहाँ पे संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, ठीक है, 2007 के प्रावधानों के तहत यह जारी किया है यह नियम, जिसमें PSUs के द्वारा भुगतान की निपटान गतिविधियों के लिए पूरी तरीके से RBI के द्वारा जारी किया गया। तो क्या है इसमें विशेष, तो सबसे पहले यहाँ पे PSO क्या है वो जान लेते हैं। PSO क्या होते हैं? PSO का अर्थ है एक अधिकृत भुगतान प्रणाली का संचालन करने वाला व्यक्ति या संस्था। ठीक है, तो भुगतान को, अधिकृत भुगतान प्रणाली को संचालन करने वाली संस्था को हम PSO कहते हैं। साथ ही यहां पर देखिए तो भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वीजा आदि भारत के कार्यशील कुछ अधिकृत PSOs हैं। तो ध्यान रखिएगा PSOs कौन कौन से हैं भारत में, तो यहाँ पर ध्यान रखिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है और वीज़ा, ये सब के सब क्या हैं, PSOs हैं। यह रूपरेखा भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों को आउटसोर्सिंग में व्याप्त जोखिमों के प्रबंधक के लिए यहाँ पर नियुक्त करते हैं और उससे संबंधित यहाँ पर मानकों को भी लागू करने का काम यहाँ पर करते हैं। तो RBI के द्वारा ये नियम लागू कर लेकर आए गए हैं PSOs के लिए, किस तरीके से भुगतान संबंधी प्रणाली को आप कैसे लागू करेंगे, इसमें PSOs को ध्यान रखिएगा क्या होते हैं, और दूसरा इसमें जो ध्यान रखना है कि कौन कौन से PSOs हैं जो भारत में कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी में पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली के ऑपरेटरों को RTGS NEFT जैसे केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों की प्रत्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने की भी यहाँ पर अनुमति प्रदान की। चलिए आइए देखते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भुगतान बैंक के बारे में। ठीक है, अगला हम यहाँ पर भुगतान बैंक के बारे में समझते हैं, भुगतान बैंक क्या है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI भुगतान बैंकों को निवेश बैंकर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर SEBI के द्वारा भुगतान बैंकों को निवेश बैंकर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। अब यहाँ पर एक निवेश जो बैंकर है वो मुख्य रूप से निगमों, सरकारों और अन्य संस्थाओं जैसे कि गोल्डमैन, शाक के, मॉर्गन स्टेनली इत्यादि के लिए यहाँ पर पूंजी जुटाने संबंधी कार्य यहाँ पर करता है। तो इस तरीके के सारे पूंजी संबंधी यहाँ पर कार्य कौन करता है, भुगतान बैंक करते हैं। इसके अतिरिक्त भुगतान बैंकों के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर है, भुगतान बैंक कौन होते हैं, कैसे यहाँ पर बने। तो नचकेत मोर एक समिति गठित की गई थी और जिन्होंने कहा एक सुझाव दिया था, नचकेत मोर समिति ने भुगतान बैंकों के बारे में कुछ सुझाव दिए। सुझाव क्या थे, तो उन्होंने कहा कि जो भुगतान बैंक है एक ऐसा बैंक है जो बिना किसी क्रेडिट जोखिम में लघु पैमाने का कार्य करता है, यह बैंक ऋण, अग्रिम और क्रेडिट कार्ड इत्यादि भी यहाँ पर जारी करता है। साथ ही यह मांग जमा,
₹1,00,000 तक यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं। और ये प्रेषण सेवाएं जो हैं मोबाइल आधारित भुगतान स्थानांतरण, खरीद और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। तो ये भुगतान बैंकों के बारे में हमने जानकारी ली, किस तरीके के हैं, क्या कर सकते हैं, किसके द्वारा और कब यहाँ पर गठित की गई। अगला है फ्लेक्स ईंधन वाहन। क्या है फ्लेक्स ईंधन वाहन, ये क्या होते हैं? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने वाहन निर्माताओं से 1 वर्ष के भीतर FFVs को प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। तो एक नए तरीके के यहाँ पर देखिए कार्य करने को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसे 1 वर्ष के भीतर यहाँ पर बोला गया है कि FFVs वाहनों का एक संशोधित संस्करण यहाँ पर है, जिसमें इथेनॉल मिश्रणों का विभिन्न स्तरों के साथ, गैसोलीन और मिश्रित विभिन्न स्तरों के साथ यहाँ पर पेट्रोल दोनों पर चलाया जाएगा। तो देखिए इस तरह के जो वाहन लेकर आए जाएंगे उनकी क्या विशेषता होगी, इनमें इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा, गैसोलीन और पेट्रोल इस पर भी ये चल सकती हैं। तो आपको नए जो यहाँ पर वाहन जो फ्लेक्स ईंधन वाहन लेकर आए जा रहे हैं उनकी क्या विशेषता है कि इथेनॉल के मिश्रण के साथ यहाँ पर अलग अलग मिश्रण, ठीक है, मिश्रण के भी अलग अलग स्तर, उसमें अलग अलग आपके कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाएंगे, साथ ही यहाँ पर इसमें गैसोलीन और पेट्रोल दोनों पर यहाँ पर इन्हें चलाया जा सके। भारत की वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने की योजना है। जो यहाँ पर 20% जो भी वाहन इत्यादि हम चला रहे हैं उसमें हम 20% इथेनॉल ईंधन का प्रयोग करें। अब एक क्वेश्चन आता है कि FFVs जैसे जो वाहन हैं उन्हें क्यों लाना चाहिए, उसके अपने क्या लाभ हैं? तो देखिए ईंधन का जो उपयोग करने का विकल्प प्रदान करता है ये सबसे अच्छी चीज़ है। FFVs जो हैं आपको ईंधन का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करती है, साथ ही पेट्रोल क्योंकि बहुत महंगा हो गया है तो उसकी जगह पर ये ज़्यादा लागत प्रभावी हैं, प्रदूषण मुक्त हैं, साथ ही आयात विकास के यहाँ पर देखा आयात के विकल्प के मामले के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, और यह अधिशेष खाद्यान्न आदि की भी यहाँ पर समस्या का समाधान करता है। जो खराब हो रहा है खाद्यान्न उसका हम प्रयोग करके ईंधन का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से FFVs जो वाहन हैं वो हमें इस तरीके की यहाँ पर लाभ पहुँचा सकते हैं और इसीलिए इन्हें यहाँ पर बढ़ावा सरकार दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगला है फसल उत्पादन पूर्वानुमान के लिए यहाँ पर आधुनिक तकनीकी के प्रयोग की यहाँ पर बात की जा रही, ठीक है, कि फसल के उत्पादन को लेकर आधुनिक तौर पे यहाँ पर कौन सी रणनीति अपनाई जाए। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा फसल उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को यहाँ पर वित्त पोषण किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सी यहाँ पर परियोजनाओं को वित्त पोषण किया जा रहा है, कौन कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? तो आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, आम, केला, खट्टे फल और चमन, यानी कि भू सूचना विज्ञान उपयोग का करके समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन जैसे कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस योजना में सम्मिलित की गई। इसके लिए अब फसलों का जो अनुमान कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की भूमिका के माध्यम से यहाँ पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। किनका? तो किसान परियोजनाओं का, साथ ही यहाँ पर इसके अतिरिक्त यहाँ पर सूखे के आकलन के लिए भी उपग्रह आधारित सूचकांकों का हम प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फसलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से उनका अनुमान लगाने के लिए ये बात की जा रही है। इस तरह की योजनाओं को यहाँ पर आधुनिक तकनीकी के प्रयोग की बात की गई। अगला यहाँ पर है ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कमलम कहते हैं। ड्रैगन फ्रूट को और क्या कहते हैं, हम कमलम कहते हैं। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों के द्वारा उगाया गया ड्रैगन फ्रूट प्रथम बार यूनाइटेड किंगडम और बहरीन को यहाँ पर निर्यात किए गए, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात और पश्चिम बंगाल में इनका उत्पादन किया जाता है। नाम इनका ड्रैगन फ्रूट या यहाँ पर कमलम है। और निर्यात कहाँ किए गए हैं? तो यूके और बहरीन, ठीक है, पहली बार यूके और बहरीन को निर्यात किए गए हैं। अब ड्रैगन फ्रूट जो है वो भारत में कमलम के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैक्टेसी कुल का है। किसका है? कैक्टेसी कुल का है। और यह एक उष्णकटिबंधीय फल है। कैसा फल है? उष्णकटिबंधीय फल है। और मूल रूप से कहाँ का है? तो मध्य एशिया, मध्य अमेरिका की प्रजाति है ये। साथ ही यह फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध है। तो ड्रैगन फ्रूट हमारी बॉडी के लिए क्या फ़ायदेमंद है, किस तरीके से फ़ायदेमंद है, तो हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है? फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त इसके 3 मुख्य किस्में हैं,
ठीक है, ड्रैगन फ्रूट की तीन किस्में हैं, कौन कौन सी हैं? तो गुलाबी छिलके वाला श्वेत गूदायुक्त, गुलाबी छिलके वाला लाल गूदायुक्त और पीले छिलके वाला श्वेत गूदायुक्त आपके, इसकी तीन अलग अलग प्रजातियां, ध्यान रखिएगा। गुलाबी छिलका श्वेत गूदा, गुलाबी छिलका लाल गूदा और पीला छिलका श्वेत गूदायुक्त आपके, ये तीन इनकी अलग अलग प्रजातियाँ हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में। चलिए अगला यहाँ पर है ड्रैगन फ्रूट के बाद मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी है यहाँ पर। तो मानव हाथी संघर्ष, भारत के 14 प्रमुख हाथी आबादी वाली राज्यों के 30 हाथी रिजर्व में लगभग 27,000 क्या हैं, एशियाई हाथी यहाँ पर पर्यावासित हैं। कितने हैं? करीब 27,000 एशियाई हाथी यहाँ पर पर्यावासित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कितने रिजर्व हैं? तो 30 हाथी रिजर्व हैं। अधिवासों के नष्ट होने के कारण वर्ष 2018 से 2020 के दौरान मानव हाथी संघर्ष घटनाओं में करीब 14 से 1 व्यक्तियों और 301 हाथियों की यहाँ पर प्राणों की क्षति हुई है। तो यहाँ पर मानव पशु संघर्ष के कारण जो आपको दोनों ही वर्गों में हानि हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब संघर्ष को कम करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसके संदर्भित क्या उपाय हैं? तो इसके लिए यहाँ पर हाथी परियोजनाएं आरंभ की गई। अब इसमें देखें जाए हाथी परियोजना में तो राज्य और संघ शासित प्रदेशों के द्वारा कुछ दिशा निर्देश तय किए गए। जैसे एग्जाम्पल वाइज आप देख सकते हैं तमिलनाडु सरकार ने एक दिशा निर्देश दिया कि जो बाधाएं हैं एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच, विद्युत तारों, आवधिक निरीक्षण इत्यादि उनका किया जाए, तो किस तरीके से वहां पर उनका एक बेहतर तरीके से एक आवागमन का मार्ग सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान के ढेर को गांवों के बाहर पृथक रखने की एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की ताकि यहाँ पे मानव हाथी संघर्ष को रोका जा सके। तो इस तरीके से राज्यों के द्वारा अपने स्तर पे अलग अलग यहाँ पे प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि मानव हाथी संघर्ष को रोका जा सके। एक और योजना है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। कौन सी है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, जिसमें वर्ष 2020-21 में संपूर्ण भारत में करीब 58,000 से अधिक बच्चों को श्रम में लिप्त होने से बचाकर उनका पुनर्वास किया गया। ठीक है, उनका पुनर्वास किया गया, उन्हें मुख्य धारा में लाया गया। बाल श्रम से बचाए गए बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए NCLP एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर NCLP को विशेष प्रशिक्षण के केंद्रों को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जहाँ पर उन्हें शिक्षा मुख्यधारा की शिक्षा संबद्ध किया जाएगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। तो एक बेहतर पहल जहाँ पर ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पर अनाथ हैं या फिर आप कह सकते हैं बाल श्रम में लगे हुए हैं या किसी न किसी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो ऐसे 9 से 14 वर्ष के बच्चों के यहाँ पर आपको इस योजना के माध्यम से उन्हें शिक्षित किया जाएगा, मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही यहाँ पर उच्च स्तर पर इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट की यहाँ पर अधीन यहाँ पर जिला परियोजना भी आपको स्थापित की जाएगी। तो ये हमने देख लिया राष्ट्रीय बाल परियोजना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद गोपालपुर विरासत का विरासत तटीय पत्तन के बारे में यहाँ पर डेटा आया है करंट में। ठीक है, गोपालपुर का विरासत तटीय पत्तन के बारे में डेटा है। क्या डेटा है? INS खंजर गोपालपुर के विरासत तटीय पत्तन पर रुकने और ठहरने वाला भारतीय नौसेना का प्रथम पोत यहाँ पे बन गया है। अब गोपालपुर पत्तन है क्या, इसके बारे में थोड़ी बहुत डेटा आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गोपालपुर पोर्ट कहाँ है ये देख लीजिए, उड़ीसा में। ठीक है, राज्य कौन सा है यहाँ पर? उड़ीसा है। यहीं पास ही में अगर हम देखें तो गाहिर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये इनकी यहाँ पर राजधानी आपका भुवनेश्वर है। अब यहाँ पर देखिए यह एक गहरा समुद्री पत्तन है। ठीक है, एक गहरा समुद्री पत्तन है, भारत के दूसरी बात पूर्वी तट पे है, राज्य आपका ओडिशा है। साथ ही पारादीप और विशाखापत्तनम के मध्य स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो विशाखापत्तनम नीचे और पारादीप यहाँ पर ऊपर है और बीच में आपका गोपालपुर पोर्ट है और इसे रेल और सड़क से यहाँ पर संपर्क भी प्रदान किया गया, उसे कनेक्ट किया गया है। यह सुंदरगढ़, बलांगीर के बागसाइड समृद्ध क्षेत्रों एवं मध्य उड़ीसा के स्टील क्लस्टर और इब घाटी और तालचर के कोयला क्षेत्र आदि के निकट यहाँ पर अवस्थित है। अर्थात देखा जाए तो खनिज बहुल क्षेत्रों के साथ यहाँ पर इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है और यहाँ से जो भी निर्यात करना है वहाँ पर आसानी से यहाँ तक पहुँचाया जा सकेगा। चलिए अगला यहाँ पर है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, जिसे पॉम ऑयल के नाम से हम जानते हैं। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मंत्रिमंडल के द्वारा यहाँ अनुमोदित घरेलू पॉम तेल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, घरेलू पॉम ऑयल को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके तहत जो मौजूदा 3,00,000 टन से इसे बढ़ाकर 2025 में करीब 2025-26 में 11,00,000 टन करेंगे। तो वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ पॉम ऑयल का उत्पादन कितना है? 3,00,000 टन, जिसे 2025-26 तक कितना किया जाएगा? 11,00,000 टन।
इससे खाद्य तेल के आयात पर भारत की उच्च निर्भरता को कम करें, क्योंकि भारत मूलतः अपना जरूरत का जितना भी है मोस्टली आपको बाहर से निर्यात करता है, बाहर से आयात करता है पॉम ऑयल का। भारत ने घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2020-21 में करीब 133.5 लाख टन यहाँ पर खाद्य तेल का आयात किया है, और इससे आयातित पाम तेल की जो हिस्सेदारी घरेलू आवश्यकता की करीब 56% थी। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो आपको अच्छी खासी मात्रा में भारत को पाम ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर इस योजना को प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए यहाँ पर पुनर्क्रय विक्रय पुनर्क्रय यहाँ पर लागू किया गया है। ये क्या है? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए पुनर्क्रय विकल्प में रिजर्व बैंक ने उन निवेशकों को जिसने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पुनर्खरीद का विकल्प प्रदान किया जिन्होंने 5 वर्ष पूरे कर लिए, ठीक है, जिन्होंने ये गोल्ड बॉन्ड खरीदा था और उसके 5 साल पूरे हो गए हैं, उनके लिए इन्हें पुनर्खरीद विकल्प उन्हें यहाँ पर प्रदान किया है। अब इसमें होगा क्या पुनर्खरीद में, इसे स्टॉक एक्सचेंज में विक्रय के लिए इसे परिपक्वता तक अपने पास रखने, जो कि बॉन्ड की खरीद से के 8 वर्ष उपरांत होता है का विकल्प था। और साथ ही यहाँ पर SGB के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियाँ जिन्हें ग्राम स्वर्ण में मूल्य वर्गित किया गया है, अर्थात कि एक तरीके से आपके पास सोना नहीं है, प्रपत्र एक दे दिया गया जिसमें बता दिया कि सोना इतना आप खरीदे हो इतने के मूल्य है, ये आपको है जब सेल करोगे जो वर्तमान मूल्य होता है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, और निवेशकों को निर्गम मूल्य का नगद में भुगतान करना होता है, और ये बॉन्ड जो होते हैं परिपक्व होने पर नगद में भुनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, नगद में कैश आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाता है, और ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जारी कौन करता है, आपको भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक जारी करती है, 8 साल का है, यहाँ पर नगद में आपको पैसे इसमें प्राप्त हो जाते हैं, और ये पूरा ग्राम स्वर्ण में मूल्य वर्गीकृत था, सोने में उसका पूरा मूल्य वहाँ पर वर्गीकृत होता है इस बॉन्ड में। अगला यहाँ पर है, विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चालक योग्य सड़क का निर्माण किया गया है, तो कहाँ पे बना है, तो सीमा सड़क संगठन ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर, कौन से उमलिंगला दर्रे पर सड़क का निर्माण किया है। इसने बोलिविया में करीब 18,953 फीट की सड़क के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ठीक है। तो पिछला था कौन सा, बोलिविया में थी 18,953 फीट, और वर्तमान में कौन हो गया 19,300 फीट जो पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर बनी है। यह सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 17,700 फीट से भी काफी ऊपर है। दूसरा लेह में खारदुंगला दर्रा है जो कि 17,582 फीट का ऊंचाई है। यह सड़क पूरी लद्दाख के चुमारा सेक्टर के महत्वपूर्ण कस्बों को जोड़ती है, और इससे सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो सड़कों के माध्यम से हमें पता है जहाँ भी सड़कों का निर्माण हो जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है, आवागमन आसान हो जाता है, तो वहाँ पर विकास जो होता है ऑटोमेटिक तेज़ी से होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है बनी कहाँ पर है, तो पूरी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर, जो कि जिसकी ऊंचाई करीब 19,300 फीट है। और कौन सा दर्रा है, तो एक खारदुंगला दर्रा भी है जो लेह में है जिसकी ऊंचाई करीब 17,582 फीट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए यहां पर अगला दिया है, स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षण की यहाँ पर शुरुआत हुई है। इसे भारतीय नौसेना के डिज़ाइन के लिए नौसेना डिज़ाइन निदेशालय के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। कोचिन सिम्पयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। अब ये जो है CSL जो पत्तन है, पोत परिवहन जलमग्न मंत्रालय के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का एक शिपयार्ड है, ठीक है। कैसा है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है, या भारतीय नौसेना और कोचिन शिपयार्ड का स्वदेशी रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है, तो दोनों लोग यहाँ पर मिलकर इन्होंने भारतीय नौसेना के सौंपा जाएगा। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इसे विकसित किया गया है, और भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से एक विमान वाहक पोत के डिज़ाइन एवं निर्माण का भी प्रथम प्रयास कर रहे हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण के साथ भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास स्वदेशी रूप से अत्याधुनिक विमान वाहक पोत को निर्मित करने की क्षमता है। तो भारत स्वयं अपने अभी तक देखा जाए तो भारत विमान वाहक पोतों का निर्माण नहीं करता था, बाहर से आयात करता था, लेकिन अब यहाँ पर भारत की जो होती है कोचिन शिपयार्ड के माध्यम से ऐसा प्रयास अपने स्तर पर स्वयं किया जा रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा करने के पश्चात वो भारत चुनिंदा देशों के ग्रुप में यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर बटेर पालन, ठीक है, क्वेल फार्मिंग, बटेर फार्मन। अब ये क्या है, तो जापानी बटेर पालन ने उड़ीसा के कोरापुट जिले के आजीविका पर COVID-19 के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए सहायता यहाँ पर प्रदान की है। बटेर होता क्या है, तो एक पक्षी होता है, एक छोटा पक्षी होता है, और जो तीतर कुल से संबंधित है। कुल कौन सा है बटेर का, तो तीतर कुल से संबंधित है।
पहली बार 1595 ईस्वी में जापान में इसे पालतू बनाया गया। बटेर को 1595 में पालतू बनाया गया। भारत में कौन कौन सी प्रजातियां हैं बटेर की? तो भारत में बटेर की दो प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? दो प्रजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो वनों में पाए जाने वाले काले वक्ष वाले बटेर और भूरे रंग की यहाँ पर जापानी बटेर, जिसका मांस के लिए यहाँ पर पालन किया जाता है। तो ये दो प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बटेर पालन कुक्कुट पालन की तुलना में अत्यधिक लाभदायक है, साथ ही इसके पालन में अल्प आर्थिक लागत आती है और रोगों का भी यहाँ पर कम जोखिम होता है। तो भारत में यहाँ पर बटेर पालन को प्राथमिकता यहाँ पर उड़ीसा में यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही बटेर के अंडे अन्य मुर्गियों के अंडे की तुलना में अधिक ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं। तो इसका बताया जा रहा है ये ज़्यादा लाभदायक है खान पीन के दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। रोग भी यहाँ पर देखे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर लाभ भी यहाँ पर जो भी इस कुक्कुट पालन के दृष्टिकोण से आता है उसे लाभ भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर है घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजातियों के जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी आई है करंट में, एक यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। ये क्या है? तो विमुक्त जनजातियों से तात्पर्य है उन सभी समुदायों से जिन्हें कभी आपराधिक जनजात अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, कि जिसे अब तक हमने अपने जनजाति अधिनियम के तहत यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया, उन्हें हम विमुक्त जनजातियाँ कहते हैं। अधिनियम 1978 और वर्ष 1947 के बीच ब्रिटिश शासन के द्वारा इसे लागू किया गया था। दूसरा यहाँ पर घुमंतु और अर्ध घुमंतु के संदर्भ में बात करें, इसकी अवधारणा क्या है? तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु की अवधारणा उन सामाजिक समूहों पर लागू होती है जिन्होंने हाल ही के दिनों में अपनी आजीविका रणनीति के भाग के रूप में निरंतर और आमतौर पर मौसमी शारीरिक श्रम यहाँ पर किया है। तो किस मौसम के अनुसार कोई काम कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया, या हर मौसम के हिसाब से वहाँ पर चीज़ चेंज कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? घुमंतु और अर्ध घुमंतु। ऐसे घुमंतु और भी हैं जैसे घुमंतु तथा विमुक्त जनजाति समुदायों के जाति प्रमाण पत्र जो पहले से ही अनुसूचित जाति एससी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों में शामिल हैं, इन जाति की श्रेणियों को दिए जाने वाले लाभों के लिए मान्य होंगे। तो यहाँ पर यदि आप एससी एसटी ओबीसी वर्ग में सम्मिलित हैं, ऐसी आपकी कोई घुमंतु या अन्य जातियाँ हैं, तो उन्हें भी आपको वही लाभ मिलेंगे जो कि यहाँ पर इन वर्गों को मिलते हैं। चलिए अगला यहाँ पर है सड़क दुर्घटनाओं के लिए प्रारूप नियम। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं के लिए प्रारूप नियमों की बात की गई है। ये क्या है? ये नियम है हिट एंड रन। ठीक है, ये नियम हिट एंड रन दुर्घटना के दृष्टिकोण से पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए योजना ये प्रस्तुत की गई है। और इस योजना में अगर हम देखें तो गंभीर रूप से घायल होने के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये तथा मृत्यु होने पर 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति का तक बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है इस कानून के माध्यम से। साथ ही यहाँ पर इस योजना पहले से मौजूद सोलेटियम योजना 1989 का स्थान लेगी। तो यहाँ पर इसे पहले से जो मौजूद एक कानून था सोलेटियम नियम, उसकी जगह पर इसे नया नियम यहाँ पर लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष स्थापित करेगी जिसका उपयोग दुर्घटना पीड़ितों की क्षतिपूर्ति और उनके उपचार के लिए यहाँ पर किया जाएगा। मंत्रालयों ने दावे के त्वरित निपटान के लिए विविध हितधारकों के समय सीमा सहित सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जाँच की प्रक्रिया, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और उसकी अनिवार्य रिपोर्टिंग का भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। अर्थात सड़क दुर्घटनाओं पर सही तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जा सके, दोषियों को सजा दी जा सके और यहाँ पर जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, जो वहाँ पर उसके कह सकते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर आर्थिक सहायता भी की जा सके, उपचार भी उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। चलिए अगला यहां पर है, अगला टॉपिक देखते हैं। यहां पर अगला टॉपिक है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, इसमें क्या रहा? लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया और यह अधिनियम जो है 2009 में यहाँ पे इसमें संशोधन किया गया। विधेयक जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में यहाँ पे इसे संशोधन इसमें किया गया है। यह संशोधन जो है वो प्रयोजन अर्थात संघ शासित प्रदेश जैसे लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, तो लद्दाख में यहाँ पर देखिए एक विश्वविद्यालय के बनाए जाने की बात की है जिसका नाम क्या रखा गया है? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में विभिन्न राज्यों में शिक्षण अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना उन्हें नियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और यह उन विश्वविद्यालयों से संबंधित अनुवांशिक विषयों का उपबंध भी यहाँ पर करता है।
इसके अतिरिक्त वर्तमान में संघ शासित प्रदेश लद्दाख में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, तो ये उनका पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी होगा। तो नाम ध्यान रखिएगा कौन सा है, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला है, राज्यसभा ने संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 भी यहाँ पर पारित कर दिया। तो इसको इस अधिनियम में क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या क्या विशेष रहा वो देख लेते हैं। यह संविधान राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। तो राष्ट्रपति के पास अब ये अधिकार होगा कि कौन सी जनजातियां यहां पर आपको किस राज्य में कौन सी यहां पर अनुसूचित जनजातियां हैं या नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह संसद को अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने की भी अनुमति यहाँ पर देता है। साथ ही विधेयक अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित संविधान अनुसूची आदेश 1950 की अनुसूची के भाग कटप को संशोधित करने पर भी यहाँ पर केंद्रित है। तो यहाँ पर राज्यों के जो कानून हैं उसमें भी यह संशोधन लाने का प्रयास करेगा, जैसे कि अबोर जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया जाएगा। ठीक है, तो अबोर जनजाति को ST से हटाया जाएगा। इसी तरीके से मिश्मी इदू तारोन के स्थान पर मिश्मी कमान, जिसे मिजू मिश्मी कहते हैं, इदू मिश्मी और तारोन यानी दिगारू मिश्मी को शामिल किया जाएगा। तो अबोर को हटा दिया जाएगा और किसे शामिल किया जाएगा, तो यहाँ पर इन जनजातियों को यहाँ पर ST के वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मोम्बा के स्थान पर मोन्या, मोनपा, मेम्बा, सरताड़, सजोलाड या मिजी जनजातियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ नई जनजातियों को यहाँ पर ST वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है और कुछ को यहाँ पर निकाले जाने का प्रावधान है। ये आपको अधिकार किसे है, संसद को मिल गया है और राष्ट्रपति यहाँ पर इसे निर्देशित करेगा। चलिए अगला यहाँ पर है, देखिए अगला टॉपिक यहाँ पर है, मिजोरम और असम ने दोनों राज्यों की साझी सीमा को दूर करने का एक समझौता, देखिए हमने पहले भी कहा था एक समझौता यहाँ पे कर लिया था। तो यहाँ पर दोनों ही राज्यों ने असम और मिजोरम के मध्य की एक घटना, अभी हमने नागालैंड के बात की, अब यहाँ पर मिजोरम और असम के बारे में घटना है। तो इनके मध्य किस तरीके के समझौते हुए वो देख लेते हैं। दोनों राज्यों ने अपने अपने पुलिस बल और वन रक्षकों को अशांत अंतर्राज्यीय सीमा को दूर करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर जो है, समझौता जो है, परस्पर तनाव को कम करने और वार्ता जारी रखने को लेकर यह कदम उठाया गया है। हाल ही में दोनों राज्यों की पुलिस के मध्य हिंसक टकराव हुआ और गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार यहाँ विवादित क्षेत्रों को प्रभाव में तटस्थ यहाँ पर रखा गया। तो ये देखिए आपका विवादित एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिजोरम और यहाँ पर साथ ही साथ आपका असम राज्य के मध्य यहाँ पर। तो एक घटना यहाँ पर आपको हुई है मिजोरम के दृष्टिकोण से, अगर हम देखें तो मिजोरम मणिपुर के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको घटना यहाँ पर हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, असम का यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है, ये असम का एरिया है यहाँ पर, ये मेघालय आपको लगता हुआ दिखाई देता है, ये आपका यहाँ पर त्रिपुरा है, ये आपका मणिपुर है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या बोला गया है, कि एक टॉपिक यहाँ पर आया है, प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित विशेष कागज को पेटेंट आविष्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पेटेंट अधिकार प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से, किसे किसे प्राप्त हुआ है। तो खादी और ग्रामोद्योग उद्योग आयोग ने प्लास्टिक और मिश्रित हस्तनिर्मित विशेष प्रकार के कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त कर लिया। तो एक बहुत बढ़िया, बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट खबर, ध्यान रखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग ने यहाँ पर प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित पर यहाँ पर पेटेंट प्राप्त किया। यह कागज को प्रकृति से प्लास्टिक के खतरे को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, साथ ही यह संधारणीय रोजगार सृजित करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नया रोजगार भी अवसर उपलब्ध होंगे और दूसरी तरफ पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। और प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज को प्रोजेक्ट रिप्लान, प्रकृति से प्लास्टिक को कम करने के तहत भी विकसित किया जा रहा है। पॉलीथीन इत्यादि अन्य प्रकार के प्लास्टिक को हम, क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत नुकसान, रिसाइकल भी नहीं होते हैं तो नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह भारत में अपनी तरह की प्रथम परियोजना है जहाँ प्लास्टिक को खंडित, निम्नीकृत, तनुकृत किया जाता है, साथ ही इस अवशिष्ट को हस्तनिर्मित कागज बनाते समय कागज की लुगदी के साथ यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला यहाँ पर है, स्मार्ट आंगनबाड़ी परियोजना। कौन सी है, स्मार्ट आंगनबाड़ी परियोजना। यह केवल सरकार के द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। यह आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के समग्र शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आदान प्रदान यहाँ पर की जाती है, जो सेवाओं में सुधार हेतु भी यहाँ पर लक्षित है।
यह क्लासरूम में डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर रूम, क्रिएटिव जोन, इंडोर आउटडोर, खेल इत्यादि स्थान भी यहाँ पर आपको बनाए जाएंगे जो स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। साथ ही इसे समेकित बाल विकास योजना की छत्र योजना के तहत आंगनबाड़ी सेवाएँ, बाल्यावस्था में देखभाल और विकास के लिए यहाँ पर संचालित प्रमुख कार्यक्रमों में से ये एक के तौर पर यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ ICDS के तहत 6 सेवाओं के पैकेज प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, कौन से 6 सेवाओं के, कौन कौन से? तो यहाँ पे अनुपूरक पोषण, पूर्व विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, ये सब की सब भी यहाँ पर ICDS के तहत 6 सेवाएं भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। चलिए अगला यहाँ पर है मॉरिशस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ठीक है, मॉरिशस के बारे में थोड़ी जानकारी है, क्या है? मॉरिशस ने अपने अगलेगा द्वीप पर भारतीय सैन्य अड्डे की स्थापना की अनुमति देने संबंधी रिपोर्ट का खंडन किया है। पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरिशस के अधीन 2 द्वीप हैं, एक उत्तरी द्वीप है, दूसरा दक्षिणी द्वीप है। वर्ष 2015 में भारत ने अगलेगा द्वीप समूह को विकास के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका मॉरिशस है, ठीक है, ये आपका अगलेगा, आपका आइसलैंड है, आपका साउथर्न एरिया और ये आपका नॉर्थ एरिया है। और यहाँ पर टोटल इसका एरिया कितना है, करीब 2600 हेक्टेयर है। और यहाँ पर किसी भी तरीके के यहाँ पर मॉरिशस ने नकार दिया है कि ऐसे किसी भी क्षेत्र में आप भारतीय सैन्य अड्डे की स्थापना जैसा कोई भी वहाँ पर उन्होंने अनुमति नहीं दी है। चलिए अगला यहाँ पर है बन्नी घास भूमि। बन्नी घास भूमि ये कहाँ है? यह आक्रामक वृक्ष प्रजातियों का अतिक्रमण कर लिया गया है, यहाँ पर आक्रामक वृक्ष प्रजातियों का आक्रमण किया गया है। उत्तर पश्चिम गुजरात के कच्छ जिले में एशिया की सबसे बड़ी घास भूमियों में से ये एक है। ठीक है, कहाँ पे? कच्छ में। तो बन्नी घास भूमि कहाँ पाई जाती है? आपको कच्छ में, गुजरात के एरिया में। यह मालधारी नामक एक चरवाहा समुदाय का अधिवास स्थल है। कौन सा? तो समुदाय कौन सा है? मालधारी समुदाय। वर्ष 1960 के दशक में इस क्षेत्र को कक्ष के रण से लवणता के प्रवेश से बचाने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टरों से प्रोसोपिस जूलिस फोरा नामक विदेशी प्रजाति के लाखों बीज यहां पर गिराए थे और उसी के माध्यम से यहां पर यह बन्नी घास भूमि आपको विकसित हुई है। अगला यहां पर है पुली तिनचला बांध। ठीक है, कौन सा है यहां पर? पुली तिनचला बांध। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पुली तिनचला जो बांध है, इस बांध के गेट के टूट जाने के उपरांत बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। बांध बना कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के आपके कृष्णा जिले के कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये देखिए आपका पुली तिनचला, आपका ये बांध का एरिया है, ये बांध है आपका है और इसका आपका यहाँ पर एक जो गेट है यहाँ पर इसका टूट गया है। ये आप यहाँ पर तेलंगाना देख सकते हैं, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है और ये आपका कर्नाटक का जिला। और यहाँ पर देखा जाए तो कृष्णा जिले में यहाँ पे बना हुआ था। केएल राव सागर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के रूप में यह जाना जाता है और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ के नियंत्रण सेवा प्रदान करती है। तो ये है, सॉरी यहाँ पर देखिए, तो ये आंध्रा में है आपका विकसित है, आंध्र प्रदेश में। ये आपका कर्नाटक का एरिया या महाराष्ट्र आपका है, ये तेलंगाना का एरिया और ये आपका आंध्र प्रदेश में आपको स्थित है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो रॉस द्वीप का नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। तो नाम यहाँ पर परिवर्तित किया गया है, ध्यान रखना है कौन सा हो गया है। तो रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 2 किलोमीटर की दूर में अवस्थित है और क्षेत्रफल में कितना है, तो 1 वर्ग किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर दूर है और 1 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। यह एक ऐसा द्वीप है जहाँ प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की बस्ती की अनुमति नहीं है, पूरी तरह से निषिद्ध आपकी बस्ती है। ठीक है, ये एरिया है, ये आपका रॉस आपका द्वीप है जिसका नाम अब क्या कर दिया, नॉर्थ द्वीप का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहां पर देखिए टॉपिक है G20 डिजिटल मंत्रियों की यहां पर बैठक हुई है। G20 मंत्रियों के यहां पर एक डिजिटल बैठक का आयोजन किया गया है। तो क्या रहा इस बार की G20 की मंत्रियों की बैठक में? तो बैठक की देखिए मेजबानी किसके द्वारा की गई, बैठक की मेजबानी इटली के द्वारा ट्राइस्टे शहर में की गई है। कहाँ की गई है? ट्राइस्टे शहर में की गई है। बैठक में डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए यहाँ पे लचीला, मजबूत, सतत और समावेशी विकास को मॉडल को अपनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। कैसा? लचीला, मजबूत, सतत और समावेशी। भारत में भी देखा जाए तो डिजिटलीकरण के लेकर दिशा में काफ़ी काम किया गया है, डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था को, और इसीलिए यहाँ पर डिजिटल इंडिया मिशन भी आपको आरम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त 1.29 बिलियन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल पहचान आधार कार्ड प्रदान किए गए, 430 निर्धन लोगों के बैंक खाते खोले गए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की भी शुरुआत यहां पर भारत के द्वारा की जा चुकी है। साथ ही G20 19 देशों और
यूरोपीय संघ का एक औपचारिक समूह है जो विश्व की दो तिहाई आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% का ये प्रतिनिधित्व भी करती है। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पर है स्टैगफ्लेशन के बारे में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो मुद्रा स्फीति जनित मंदी को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की एक मौद्रिक नीति समिति ने बताया कि नीति दर को 4% पर अपरिवर्तित रखने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। कितने पर? 4%। यहाँ पर उससे ज़्यादा उन्होंने घटाया बढ़ाया नहीं है, बहुत टाइम से नहीं घटाया बढ़ाया है यहाँ पर रेपो रेट को। तो यहाँ पर देखा जाए, यह निर्णय मुद्रास्फीति की पूर्वानुमान में वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीति जनित मंदी की दुविधा को दर्शाते हुए यहाँ पर लिया गया है कि बहुत ज़्यादा की स्थिति में क्या होगा, मुद्रास्फीति जनित यहाँ पर मंदी की स्थिति आ सकती है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मुद्रास्फीति जो मंदी होगी एक आर्थिक स्थिति है। कैसी स्थिति है? एक आर्थिक स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है, आर्थिक समृद्धि दर धीमी होती है और बेरोजगारी निरंतर उच्च होती है। तो कैसा रहेगी स्थिति में? स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? मुद्रास्फीति की दर अधिक, आर्थिक वृद्धि कम, बेरोजगारी उच्च। यह सरकार के लिए दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न करती है क्योंकि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किए गए अधिकांश प्रयास बेरोजगारी के स्तर को बढ़ा सकते हैं और बेरोजगारी को कम करने के लिए निर्मित नीतियां मुद्रास्फीति की स्थिति को और अधिक प्रतिकूल कर सकती हैं और इसी कारण से यहां पर मुद्रास्फीति जनित मंदी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला टॉपिक यहां पर है विद्युत क्षेत्र के लिए। यहां पर कुछ बातें की गई हैं, तो विद्युत क्षेत्र को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं वो देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए सुधार और विनियामक ज्ञान आधार, ये क्या है? यह एक विविध पृष्ठभूमि के पेशेवरों को विनियामक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई एक ई प्रमाणन कार्यक्रम है। क्या है? एक ई प्रमाणन कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त एक विनियामक डेटा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है। यह डेटा एक ई सार संग्रह है। इसमें प्रशुल्क ओर से डिस्कॉम के प्रदर्शन के राज्यवार यहाँ पर विवरण सम्मिलित हैं। यह समय के साथ विद्युत क्षेत्र की इकाइयों को इस क्षेत्र के प्रदर्शन की बेंचमार्किंग में सहायता करेगा और साथ ही यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा। दोनों को IIT कानपुर के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है। तो इस तरीके से जो विद्युत के क्षेत्र में यहाँ पर ई प्रमाणन कार्यक्रम है और विनियामक डेटा डैशबोर्ड है, ये सारी चीज़ें तैयार करके बेहतर यहाँ पर सप्लाई और उससे संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाए जाने पर काम किया जाएगा। चलिए अब कुछ बात करते हैं सुर्खियों में रहे इस वीक के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में, कौन कौन से यहाँ पर रहे चर्चा का विषय। जैसे कि मेजर ध्यानचंद जी को ले लीजिए। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम परिवर्तित करके हुआ है। इससे पूर्व इसे हम क्या जानते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्ष 1928, 1932, 1936 के ग्रीन्स कॉलेज ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे भारत ने और इस दौरान भारत के ओलंपिक की अपनी प्रथम हैट्रिक पूर्ण करने में भी यहाँ पर सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका मेजर ध्यानचंद ने निभाई थी। साथ ही वर्ष 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हॉकी के इस दिग्गज को सम्मानित करने के लिए ही 29 अगस्त को उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस का भी आयोजन किया जाता है। तो ये मेजर ध्यानचंद से संबंधित आपके कुछ प्रमुख फैक्ट हमने देख लिए। चलिए जाते जाते कुछ अंतिम विषय वस्तुओं को देख लेते हैं। और कौन से यहां पर व्यक्तित्व हैं? एक और व्यक्तित्व यहां पर देखिए नाम आया है अवेंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, किसका नाम आया है? अवेंद्रनाथ टैगोर का। ये प्रतिष्ठित कलाकार की 150वीं इनकी जयंती का उत्सव आरंभ हुआ है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे और भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के प्रथम प्रमुख आपके समर्थक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। बाद में कलाकारों पर अंग्रेजी प्रभाव का प्रतिरोध करने के उद्देश्य से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की भी यहाँ पर स्थापना की। साथ ही इन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारतीय जनक का के जनक, आधुनिक भारतीय कला के जनक किसे बोला गया है? अवेंद्रनाथ टैगोर को। चलिए अब यहाँ पर देखिए बन्नी घास भूमि के बारे में है। बन्नी घास भूमि देखिए 6 अगस्त को औपचारिक रूप से हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो परमाणु बम को यहाँ पर यहाँ पे बन्नी घास भूमि की जगह पे ये आपका हिरोशिमा दिवस रहेगा। ठीक है, हिरोशिमा दिवस।
इसे हम ठीक कर लेते हैं, ये हिरोशिमा दिवस के बारे में चर्चा में, ठीक है। ये जापान का क्षेत्र है, यहाँ देखिए नागासाकी हिरोशिमा, यहाँ पर आपको दो परमाणु बम गिराए गए थे। तो 6 अगस्त को यहाँ पर हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो परमाणु बम निर्मित किए गए थे। पहले परमाणु बम को द लिटिल बॉय नाम दिया गया था, इसे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर में, और दूसरे को परमाणु बम को द फैट मैन कहा नाम दिया गया था, जिसे 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में यहाँ पर गिराया गया था। तो लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर और द फैट मैन को नागासाकी पे क्रमशः 6 और 9 अगस्त को यहाँ पर गिराया गया। तो चलिए अंतिम यहाँ पर देख लेते हैं, अंतिम कुछ टॉपिक्स में देखिए यहाँ पे दिया है पेंसिलुंगपा ग्लेशियर जास्कर लद्दाख। कौन सा है? पेंसिलुंगपा ग्लेशियर जास्कर लद्दाख में, यहाँ पर देख सकते हैं ये एरिया है जास्कर रेंज का, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि हाल ही के अध्ययन में के निम्नलिखित कारणों को हिमनद के पीछे हटने के लिए उत्तरदायी माना गया है, ठीक है। हिमनद की जो एरिया है वो धीरे धीरे क्या है, सिकुड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे के क्या रीज़न है? देखिए पहला रीज़न बताया गया है तापमान में वृद्धि, और दूसरा रीज़न बताया गया है शीत ऋतु के दौरान वर्षा में गिरावट। इन दोनों ही के कारण यहाँ पर जो बर्फ़ है, जो वहाँ पर चादर है आपकी, वो धीरे धीरे सिकुड़ गई है। और साथ ही यहाँ पर देखिए यह अध्ययन वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के द्वारा आयोजित किया गया था, और यह संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन के तौर पर ये कार्य करता है। चलिए अंतिम में एक और टॉपिक देख लेते हैं, जरांज मिजो निमरोज प्रांत अफगानिस्तान का। अमेरिका के द्वारा 2020 में अमेरिकी सेना की वापसी के लिए तालिबानी समूह के साथ किए गए समझौते के उपरांत जरांज तालिबान के अधीन आने वाली प्रथम प्रांतीय राजधानी यहां पर बन गई। धीरे धीरे तालिबान का पूरा क्षेत्र यहां पर तालिबान पर कब्जा करने की जो प्रारंभ हुई वो कहां से होती है, तो ये पहला जो क्षेत्र है जो तालिबान को मिलता है, यह अफगानिस्तान का आप मैप देख सकते हैं, और ये जरांज का एरिया है जहां पर उनका कब्जा होता है। तो यहां पर देखा जाए तालिबान के अधीन आने वाला पहला प्रांत कौन सा है, उसकी राजधानी जरांज हो गई है। ज्ञातव्य है अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पुनर्गठन के लिए भारत के प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में भारत ने जरांज और डेलाराम राजमार्ग का निर्माण किया था। तो ईरान से होते हुए यहाँ पर एक सड़क मार्गों का यहाँ पर निर्माण किया था, रेल लाइन का भी निर्माण करने की बात की जा रही थी, जो कि यहाँ पर जरांज क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस राजमार्ग के द्वारा भारत ने ईरान चारबहा बंदरगाह को यहाँ पर अफगानिस्तान से यहाँ पर जोड़े जाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा था, और उसी के माध्यम से सारी आपूर्ति इसमें की जानी थी। तो ये हो गया आपका हमारा इस वीक का घटनाक्रम। इस वीक के जो प्रमुख 1 से 7 जुलाई के मध्य प्रमुख जो घटनाक्रम थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको प्रति वीक हर सप्ताह वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जहां पर सिविल सर्विस एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम एनालिटिकल अप्रोच से यहां पर पढ़ते चलेंगे, और काफ़ी सारी जो होती है नॉलेज जो एग्जाम के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहां से पूछे जा सकते हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। करंट अफेयर्स वीकली पढ़ लेने से यहां पर क्या होगा कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको आइडिया रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर से एक टॉपिक के साथ, जहां पर हम अगले जो होते हैं वीक के घटनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इसको देख लीजिएगा वीडियो पूरा, रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन एक वीडियो को देखिए 1 से 2 बार, अगले वीक तक आने से पहले इस वीडियो को हो सके तो 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं, जो फैक्ट हैं वो आपको याद रहें। थैंक यू सो मच।